अभी मैं मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शक आते पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो ने जमकर शेयर कर दो, जितने भी साथी तस्वीरें देखने लग रहे हैं वीडियो ने दबकर शेयर कर दो, क्योंकि टाइटल जैसा है काम भी वैसा है। आप एक बार सामने देखो, कैमरा लेके जाओ भाई साहब, बिल्कुल नज़दीक जाकर एक चीज़ दिखाओ, ये देखो परात रुपया की ठाडी बरियर सारे हैं पनसा पनसे की ठाडी परात बरियर सारे नोट पनसा पनसे के बड़े बड़े नोट एक ब्रांड दिए भाई। कैमरामैन साथी ध्यान से देखो भाई, नोटा का कति बंडल भरे खड़े हैं, आचार संहिता है फिर भी इतने नोट्स हैं, श्यामी गौशाला की कमेटी है इन्हें भी दिखा दे भी। प्रधान राम राम, गौशाला की कमेटी जो सामने बैठी है हर साल इस परात का साइज बढ़न लाग रहा है, घटन नहीं लाग रहा, हर बढ़ान लाग रहा है। युवा साथी है राकेश मलिक गांव पनाणा। राकेश भाई राम राम। राम राम पवन। ठालियो एक बार मारना है। ठाले ले भाई, आइए पकड़िए एक बार, दो जने आगे ना जाओ। कितना धन है जो 8,08,212? अच्छा, ये किस तरह से आप क्यों दान कर रहे हो, मतलब हर साल आप आते हो एक थाली नोट या इनते दे जाओ हो, कारण क्या इसका? गौ माता को बचाने के लिए, गौवंश को बचाने का, या गौवंश को बचाने के लिए प्रयास है। प्रयास है तो इस प्रयास में हर साल में 2 बार लाखों रुपए थाली में गाल के दे दो। जो जरूरी है, जो हमारी गौवंश है आज रोडों पे घूम रही है उसके लिए ये प्रयास है और ये जरूरी है, युवाओं को करना चाहिए। टोटल कितने हो गए अब तक? अब तक तो हमारे 83 लाख रुपये हो गए हैं। 83 लाख रुपये दान दे चुके हो, ये क्या साल के अंदर अंदर? ये 3 साल के अंदर हमने 83 लाख दे दिए, चौथा साल है। स्मगलिंग करो गया आपको? ना स्मगलिंग नहीं, और मिठाई बेचा है। मिठाई बेच कर 83 लाख रुपये दान? बिल्कुल। जस दिन है भाई, बाकी इन तो पूछ लू। और ये तो वो घेवर वाली दुकान वाला मामला है, फिर आप तो वो भी सस्ता दो कति, फिर खूब बचाए भाई। ये तो आवा है दुनिया लेके जा है, उनका प्यार प्रेम है जो मिठाई लेके जा। अच्छा, जितना माल बच्चा सारा अड़ाई दे दिया। हाँ बिल्कुल, बात कर लो एक बार। हाँ बिल्कुल कर। जी प्रधान जी स्वागत है, राम राम। नमस्कार जी, पहले सारे नौजवाले भाइयों का स्वागत। मैं पनाणा गाँव का सरपंच राजवीर सिंह बोल रहा हूँ जी। ये हमारा जो है, ये हमारा चाचा है, हमारे से छोटा है जी, लेकिन ये इतना बढ़िया काम छेड़ रहा है। जो भी इसने बचा है वो सब इसी तरह हर साल आते हैं, हर साल यहीं देगा जा है जो बचता है। गौ माता का है ये, कौन सा अपने कोई अलमारी में थोड़ी ना रहा है। यो विधायक चुनाव ना लड़ रहा है, ये कोई इलेक्शन थोड़ी ना लड़ रहा है जी जी। ये तो ये गौ माता है जो इनका त्रिय कमेटी बैठी सारी प्रधान जी है। तो इसलिए भी गांव में भी मैंने देखा था बीच में साइकिल वगैरह, बिदल गांव में भी, पनाणे में भी। हाँ, उसमें भी मैं साथ में था, बिदल में भी मेरे ख्याल में बिदल 260 साइकिल बांटी थी जी। और फिर पनाणा गांव में जो बाहर के लड़के आते उनको भी इसने साइकिल बांटी थी। और फिर जैसे खेल हो या कहीं भी ऐसा धर्म का जो काम हुआ हर जगह जा है, वहाँ कुछ न कुछ देगा वह है अपनी नेक कमाई में से। बहुत बढ़िया प्रधान जी, राम राम। राम राम जी, मेरी तरफ से आपको भी सभी चैनल को जी बरबर थाली रपी आओ जब किसा लग गया। पहला दिन ले ले वो अपने संभाल हो थाली पर का जब किसा लग गया नू। वैसा तो जी जायज लगे है ना, यो गौ माता में और अच्छा लगे है। अच्छा, गलत जगह हो तो फिर तो अच्छा नहीं होता। पढ़ा अंदर थोड़ी ही वो सेड टूट रही थी, मैं गया था गौशाला में, मैंने वीडियो भी कवर करी थी। इन तो मेरे ख्याल जरूर करवाइये वो सेड का तो जी चल रहा है वैसे भी। अच्छा, सरकार भी देगी कुछ, बाकी लोगों के सहयोग से भाई का तो सहयोग है। धन्य इसे बहुत मलिक साहब के जो जन्म लिया, मतलब 100 साल की उम्र लगा भी इनकी भी, इनकी भी हर साल देख जाओ जी। 2 नंबर का सौदा तो नहीं कर रहा है यो आड़े के ऐसा काम ना जी, ना जी ना, जी, ना 2 नंबर का नहीं, दिक्कत ही 1 नंबर का। मेहनत की कम। आपने घेवर मिठाई खाई इसकी? हाँ खाई है जी। क्यों नहीं? बड़का दिले गए बच्चे कई दिन में ले जा रहे थे, बस जब बार त्यौहार हो बच्चे शादी सौदा है जिस दिन आ जाए त्यौहार में उनका ले जाऊँ। बाकी जी जी, हम तो फिर अड़ में घर में चके रहे जी, हमने तो जरूरत है। अच्छा, कोई और भी आया इस तरह से आकर मैंने मिठाई की दुकान करी दी लोगे और के रुपये? ना ना जी, कोई भी नहीं। वो एक भी नहीं आया? ना एक भी नहीं। यो है चल रहा है? हाँ। अच्छा, कोई कंपटीशन में आया भाई की बार अड़ मन दुकान करने दो मैं गणे दूंगा? ना ऐसा कोई दे नहीं सकता जी, इसे खुले हाथ का ऐसा धनी आदमी और कहाँ पाओ जो इतने दे जाएगा। बोलो गौ माता की, गौ माता की जय। प्रधान जी, भाई साहब प्रधान जी, राम राम। कैसे हो पहले तो ये बताओ। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। आप बताओ। नई शुरुआत है यार, मतलब इस तरह की चीजें देख के मन
कितना प्रफुल्लित हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत मन खुश है भाई साहब। ऐसे भाई राकेश ने शुरुआत करी हमारे यहाँ के, पहले कोई ऐसा आया ही नहीं। अगर भाई इतना दान देना, ये शुद्ध चीज खवा रहा है सबको, शुद्ध देसी घी का। सरपंच साहब खाई आपने? हाँ खाई है भाई साहब, कई बार खाए हैं, घर बच्चा भी ले गए हैं। बिल्कुल मिलावटी है तो लग गया होगा? ना मिलावटी नहीं है भाई साहब, शुद्ध चीज है। और फिर गौ माता की दया दे, दूर दूर तक आके लोग लेके जाए। आजकल देखो, पहले जो प्रधान जी अपने गांव में अपनी दादी काकी ताई शवाड़ी गुलगुले बना, ये खत्म हो गए? इसने वे चीज याद दवाई जी, शुद्ध सरसों के तेल में बनाओ है, कोई दिक्कत नहीं होती। किसी ने खा लो, कोई खा लो जी, इसने हाँ बहुत अच्छे समोसे बनाओ है और सारी शुद्ध मिठाई है। और दूसरी बात है, गौ माता की सेवा कर ला रहे, गल गल जितनी कमाई हो यही दान कर दिया है, तो इसका सेवा कर रहा है। आहिस्ता गदराम का नाम है जी, को 100 रुपये भी देकर आज नहीं अपनी जेब से, और जो इतने लाखों रुपये इसने दे दिए हमारे, तो ऐसी गौशाला चला जिसने, तो भाई तीसरा साल हो गया शायद इसको यहाँ हमारे यहाँ। तो वो के का आ रहे हैं दोनों डाल जी सा रहा है, एक पंथ दो का दो काज हो रहा है, गौशाला भी चल गई, मिठाई खाओ, मिठाई खाओ, शुद्ध चीज जी सारी। बिल्कुल जी सारा जी, राम राम प्रधान, राम राम भाई। हम भी भाई साथी आ रहे हैं काफी, उनसे भी मैं आपको बात आपकी बात कराऊंगा। बल्कि राकेश के पिताजी अंकल जी खड़े हुए हो, राकेश मलिक के पिताजी अंकल जी, राम राम। आए साल लिया दान देने दे, साल बिला उड़े रुपये देने हैं, सोची दी कदे हिसाब बेटा भी होगा यो काम ना, ना ये सोची है। ये भगवान का गौ माता का आशीर्वाद है, जो ऐसे गुण दे दिए, ऐसे समाज के अंदर सेवा का मौका दिया। आप जी चाहेंगे जी सर, ये तो 2-4 साल उम्र तो बटगी होगी। हाँ ये बटगी जी, आराम है, गौ माता की दास है, गौ का आशीर्वाद हो गया, गौ का आशीर्वाद। और आप जी चाहेंगे जो एडवर्टाइज करें उनकी भी, उनसे भी उन खुश हों, अच्छा काम करें। राम 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 राम। आ भाई आगे कैमरा मैन साथी आगा एक बार, अंकल जी राम राम, ठीक हो, स्वस्थ हो? 8 लाख रुपये, 83 लाख रुपये आज तक गौशाला में 3-4 साल में दे दिए। दे दिए भाई, जचा है कि मिठाई बेचने वाला नहीं इतने दे देगा? दे है ही, ये लग रहे हैं, इसने कई साल हो गए यहाँ ही आके, स्कूल में भी दे है ये, और मलवाठ गांव है उनमें भी दे गया, किताब भी दे गया है, गुरुकुल में भी दे है, ये देश की श्रद्धा है जी। बहुत बढ़िया काम है, बढ़िया काम, देख लो आए बढ़िया हो आप, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया करें। तो भाई वीडियो को साथ के साथ कर दो शेयर, और देखिए जिस तरीके से प्रधान जी, राम राम भाई, राम राम भाई साहब, क्या कहोगे राकेश मलिक के ऊपर? राकेश मलिक ने भाई एक ऐसा पौधा लगा दिया जिसकी छाया पूरी गौशाला खाने लग रही है, मतलब मजा आ गया, मजा आ गया भाई। कति गौशाला के प्रति इसने एक जो सोच बनाई, जो अभियान आगे चला है, इससे गौशाला काफी ऊंची उस पर गई सतर पर। और वो क्या है ना, आम के अमर गुठलियों के दाम मिठाई भी खाली, बिल्कुल जी। और भाई गौ माता का भी सारा ला गया, आ जा भाई थोड़ा सा। और पहलवान राम राम भाई, क्या हाल चाल है? राम राम, कैसे हो? बढ़िया ब्रदर, ये तो वाह बात होगी। लेकिन भाई लेनिया भी दान करे, जो देनिया भी दान करे, ऐसा हो गया था अब हम किसी दुकान पर तक कोई चीज खरीद गए और वो उसकी कमाई का सगौ माता ने दे दी, पिछले 3 साल तो इतिहास रचा गया है, इतिहास है अच्छा। और चंदा भी कोई वो नहीं, अच्छा चंदा, हाँ लाखों में, लाखों में 83 लाख रुपये 3 साल में, 3 साल में दान, मतलब ये तो रियलिटी है, प्रूफ है, कैश है, बिल्कुल आम भी थाली भरी पाओ आएगी परात खड़ी भरी पाओ यार। एक और बात, हर साल बढ़ा के दे है, हर साल बढ़ने लग रहा है, हर जो बढ़ा है उसने एक दो फेर भाई कंपटीशन में भी आनी आऊ है, आए हैं, लेकिन यो इसकी नीयत, यो मेहनती लड़का, अच्छा लड़का है, इसका कोई जोड़ नीर ना कोई मुकाबला, बिल्कुल। अरे इतना चंदा कोई शायद दे पावे, सब काम धंधे करे हैं, लेकिन नीयत के लिए चंदा दिया जा, इसकी नीयत और नीति बहुत बढ़िया है। चाहे 50 आदमी आगे बैठ जाओ, यो कदे किसी ने मतलब खान पीन से भी मना नहीं करता, ये खाया है लोगों ने, कई डाल ले हैं, सारे डाल गए हैं लोग ना, अब सारे डाल गए दान करे हैं। और भाई मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए अंकल जी राम राम, आप लोग इस वीडियो को, आइयो ताऊ जी मड़े से, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसमें 2-3 भले हुए हैं, एक तो गौ माता का भला हो गया, एक भाई आपके बच्चे, आप सारे आपके रिश्तेदार, जहाँ पे राकेश मलिक का घेवर गया है भाई, वो मिलावट के जहर से बच गए, और भाई आम गया, आम गुठ
गुठलियों के दाम एक पंथ दो काज आ गया जीसा। हाल फिलहाल मैं हूँ भाई सैदपुर गांव में, लाखों रुपए का दान, 8 लाख रुपए दान आज कर दिए, 83 लाख रुपए टोटल दान कर दिए। जय बोलो गौ माता की जय, भाई मलिक साहब की भी जय बोलेंगे हम तो, क्योंकि कति धूमा ढा रहा है इसे भाई कदे कदे पैदा हुए हैं। राम राम सारे भैया ने, जय हिंद जय हरियाणा सत्य।